वेलकम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको उस अदाकारा के बारे में बताएंगे जिसको उसके शौहर ने शादी के बाद 4 साल कैद में रखा और फिर तलाक के बाद वो मीडिया के सामने आई। ये पाकिस्तान की बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपनी तलाक के बाद अपनी शादी के बारे में सबको बताया तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। गुलुकारा कोमल रिजवी ना के एक सिंगर हैं बल्कि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। इसके साथ साथ फेमस मॉडल, फैशन डिजाइनर और किचन का बिजनेस भी करती हैं। ये खाना बनाकर फ्रॉक भी करती रही हैं। ये हमेशा आपको खुश ही नजर आई होंगी, लेकिन इनकी असल जिंदगी के बारे में कोई नहीं जानता कि इन्होंने अपनी असल जिंदगी में कितने दुख बर्दाश्त किए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में पहली दफा कल निदा यासिर के शो पर बताया। कोमल ने अपने घर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं जिनकी शादी हो चुकी है। मेरे घर वाले मेरा बहुत लाड करते हैं, वो मेरे बहुत नाज नखरे उठाते हैं और मेरी भाभियाँ भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इसके अलावा मेरे घर वाले आज भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे शादी के बाद 4 साल कैद में रखा। मेरे शौहर ने मेरा वीजा और पासपोर्ट भी अपने पास छुपा के रखा। वो जहनी तौर पर कमजोर थे और पागलों के डॉक्टरों को भी चेक करवाते थे। एक दिन मेरे शौहर ने मुझ पर एक कोक की बोतल मारी जो कि मेरी आंख के ऊपर लगी और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, जिसे देखकर मेरे घर वालों को इस बात का शक हो गया कि मेरा शौहर मुझे मारता है। इस हादसे के बाद मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि वापिस आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाती थी, सिर्फ अपने शौहर के डर की वजह से कि कहीं वो मुझे फिर से ना मारने लगे। मुझे वहाँ पर कई दिन भूखे भी रहना पड़ता था। इसके साथ वो मुझे कोई पैसा भी नहीं देता था। मैं ओमान में रहती थी, लेकिन जितने नाज नखरे मेरे अपने घर वाले उठाते थे, मेरी शादी के बाद की जिंदगी तो बहुत खौफनाक हादसा बन गई। लेकिन ये तो मेरे वालिद का कमाल है जो कि मेरे घर ओमान में आए और मेरा पैक करके सामान मुझे वापस पाकिस्तान ले आए। मैं वहाँ पर ट्यूशने पढ़ाती थी, इसके साथ साथ मैं किसी करीबी दुकान पर जाकर खाना बनाकर भी फरोख्त करती थी। मेरे शौहर ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुख भी दिए हैं। कोमल रिजवी ने ये भी बताया कि मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं और मेरे भतीजे भतीजियां भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, ये मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। उन्होंने कहा कि हम बहुत हंसी खुशी अपनी फैमिली में रहते हैं, यानी मैं अपनी माँ बाप और भाई भाभियों के साथ ही एक घर में रहती हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। तो व्यूवर्स, ये थी कोमल रिजवी की लाइफ। क्या आपको इसके बारे में सुनकर दुख हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा।